लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत गए हैं और हर बदलते दिन के साथ एक नया मुद्दा चुनावी राजनीति पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर देश की राजनीतिक सरगर्मी को हवा मिल गई है। चुनाव में हिंदू मुसलमान कोई नई बात नहीं, लेकिन एक नई रिपोर्ट ने सियासत का रुख मोड़ने का काम किया है। रिपोर्ट के सामने आते ही मानो राजनीति में आग सी लग गई हो। अभी 4 चरणों की 260 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है और सवाल उठने लगे हैं कि ये रिपोर्ट चुनाव के वक्त ही क्यों आई और इसके सामने आने के पीछे क्या मकसद है, इस रिपोर्ट से किसे फायदा किसे टेंशन है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। उनसे विस्तार से हम बात करेंगे। अभिषेक उपाध्याय लखनऊ से मेरे साथ हैं और दिल्ली से मेरे साथ जनेंद्र कुमार भी होंगे, जिनसे विस्तार से बात करेंगे किस तरीके से अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए, हिंदू मुसलमान की आबादी पर घमासान मचा हुआ है। 65 साल में लगभग 8% हिंदू आबादी घटी है और 65 साल में लगभग 43% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 1950 से 2015 तक की रिपोर्ट में आंकड़ा दिया गया कि डेटा है 1950 से 2015 तक का। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है, सिख ईसाई आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हिंदू आबादी में जो गिरावट आई है उसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। अब देखिए, आपको बताएं कि किसकी आबादी बढ़ी है और किसकी आबादी घटी है। कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं, जो रिपोर्ट में बातें कही गई हैं वो आपको हम बता रहे हैं। 1950 से 2015 का ये आंकड़ा है। हिंदू आबादी देखिए आप, 1950 में 84.68% था, 2015 में 78.06% रह गया और गिरावट जो आई है 7.82% की आई है। और इसके साथ ही मुस्लिम जो आबादी है वो देखिए, मुस्लिम आबादी 1950 में 9.84%, लेकिन 2015 आते आते ये आंकड़ा हो जाता है बढ़कर 14.06% का। जो बढ़ोतरी हुई है वो 43.15% का है। हिंदू की आबादी में गिरावट, लेकिन मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद ईसाई आबादी 2.24% 1950 में, लेकिन 2015 में थोड़ी सी बढ़ोतरी इसमें भी हुई है 2.36% की। इसके अलावा सिख आबादी जो है वो 1.24% 1950 में, लेकिन 2015 आते आते इसमें इजाफा थोड़ा सा हुआ है, 1.85% ये आबादी हुई है। और देखिए, बौद्ध आबादी क्या है, 0.5% ये 1950 में था, लेकिन 2015 आते आते 0.81% है और मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन सबसे जो गिरावट है सबसे ज्यादा वो हिंदू आबादी में और बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी किए जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय का सीधे रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब राजनीति इसको लेकर कि ये टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं है, चुनाव के बीच में इस रिपोर्ट का आना ये बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। दीपा, एकदम जेन्युइन आपका सवाल है, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि टाइमिंग है, ये टाइमिंग सवाल उठाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दूसरा पहलू देखिए और ये हमें समझना होगा, पॉलिटिक्स है तो टाइमिंग परसेप्शन इन्हीं बातों पर तो डिपेंड करती है। पॉलिटिक्स टाइमिंग का ही तो खेल होता है। और आप सोचिए, मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूँ, कहानी क्या है कि धनुष एक है, बाण अलग अलग हैं। राहुल गांधी ने ये जो धनुष पे बाण चढ़ाया वो चढ़ाया ओबीसी का, दलित का, SC ST का, और उन्होंने ये कहा कि इनमें से किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, मोदी सरकार सब पे अत्याचार कर रही है और हम न्याय देंगे। तो उन्होंने इसको जात के खांचे में बांटने की सियासत की। बीजेपी ने उसी धनुष पर चढ़ा दिया ब्रह्मास्त्र और वो चढ़ा दिया हिंदू बना मुस्लिम का, एक नया अम्ब्रेला रख दिया और उन्होंने अपना नैरेटिव दे दिया कि आप तो मुसलमानों का भला कर रहे हैं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो एक ही धनुष है, दो अलग अलग बाण से यहाँ पर सियासत की जा रही है। अब हिंदू बना मुस्लिम अब शुरू हो गया है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब सीधे सीधे ये पिछली सरकारों पर अटैक कर रही है, कांग्रेस की सरकार पर हमला कर रही है। आप रहे हमारे साथ, आबादी वाली रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? तेजस्वी ने कहा कि जनता को भ्रम में डालने की कोशिश। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीच चुनाव रिपोर्ट क्यों आई, सुनवाते हैं आपको। कुछ भी बोल दे, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको अच्छा उछाल देते हो। जनता को मतलब आज किस चीज से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जमीन नीचे से खिसक रही है, इसलिए ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट की कोई मान्यता नहीं है, ये रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आई है। भारत में रहने वाले हिंदू भाई बहनों की आबादी घटी है, उनकी जनसंख्या में कमी आई है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना
और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। देखिए जो रिपोर्ट आई है उस पर विपक्ष के सवाल क्या हैं वो जल्दी से हम आपको बता दें। आर्थिक परिषद की जो रिपोर्ट है उस पर देखिए पहला सवाल ये कि चुनाव के बीच ही रिपोर्ट क्यों आई, ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल, देश की जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं क्या, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए सियासी फायदा लेने की कोशिश कौन कर रहा है, इसको लेकर भी सवाल। और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है क्या, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और किसके कहने पर सर्वे करवाया गया, ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। जैनेंद्र का सीधे रुक कर लेते हैं। जैनेंद्र, ये सवाल बहुत मौजूद भी हो जाते हैं और विपक्ष लगातार इन्हीं सवालों को लेकर अब बीजेपी पर हमलावर है कि ये टाइमिंग एक तो और साथ ही असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए ये जो रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट को लेकर जो खबर आई है जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है, साफ तौर पर विपक्षी दल इसके लिए कम से कम तैयार तो नहीं थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके की कोई रिपोर्ट आएगी और जिसमें कि हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत इतना ज़्यादा घटा हुआ बीते 65 सालों में 2015 तक आज़ादी के बाद से नज़र आएगा। साफ तौर पर आपने अगर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी होगी तो उन्होंने इस डिबेट में जाने से परहेज किया है और कहीं ना कहीं रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, नियत पर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर रिपोर्ट का जो संदेश है उससे जो राजनीतिक लाभ है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो सियासत रही है बहुसंख्यक ध्रुवीकरण भारत में, उसको कहीं ना कहीं मदद मिलती है इस रिपोर्ट से। और इससे जो बीजेपी का वोट बैंक है वो चार्ज होगा मतदान केंद्रों तक जाने के लिए बचे हुए जो चरण है। साफ तौर पर जानबूझ करके चुनाव के बीच में इस रिपोर्ट को लाया गया है क्या, यह सवाल भी विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। अब देखिए आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में क्या है, आइए वो आपको हम बताएं जरा। 65 साल में किस तरीके से हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है और मुस्लिमों की आबादी तेजी के साथ बढ़ी है। नंबर एक देखिए, 65 साल में हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी आई है, रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट में 167 देशों का अध्ययन किया गया है, उसी रिपोर्ट में ये बड़ी बातें हैं। सामाजिक विविधता के लिए देश में अनुकूल वातावरण है, ये भी रिपोर्ट में बात कही गई है। म्यांमार के बाद भारत में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी में कमी आई है, जिस तरीके से म्यांमार में कमी देखी गई ठीक उसी तरीके से भारत में भी सबसे ज्यादा हिंदू आबादी में कमी आई है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हमारे पास है, हिंदू मुस्लिम आबादी की रिपोर्ट पर बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश की जा रही है, पूरे देश में यूसीसी की जरूरत है। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम। देखिए अब कांग्रेस को किस तरीके से आड़े हाथ लिया है बीजेपी ने, हिंदू मुस्लिम आबादी की रिपोर्ट पर बवाल शुरू हो गया। अब ये तो लाजमी है, इस वक्त में अगर इस तरीके का कोई रिपोर्ट आता है अभिषेक और उसमें हिंदुओं की आबादी अगर घटती है जो बहुसंख्यक है, तो बहुत सारे सवाल तो खड़े होंगे। अब विपक्ष इसी को लेकर हमलावर है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जो हिंदुओं की आबादी घटी और मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। देखिए दीपा, क्या है चुनाव में हर पार्टी ये चाहती है कि उसकी पिच पर चुनाव हो, उसके नैरेटिव पर चुनाव हो। कांग्रेस को लगता है कि बुनियादी मुद्दे वही हैं जिनकी वो बात कर रही है, बाकी सारे मुद्दे गैर बुनियादी हैं। बीजेपी को लगता है उसके मुद्दे बुनियादी, तो ये तो परसेप्शन का खेल है। लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत ही क्लियर है, जो अपने परसेप्शन को पब्लिक तक ले जा पाएगा वो विनर होगा, और इस मामले में बीजेपी को महारत हासिल है और वो उस परसेप्शन को नीचे तक परकोलेट करती है, उसका संगठन है। आप सोचिए, मैं यूपी की राजधानी लखनऊ में हूं, लखनऊ में बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जहां पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने इसी बात का जिक्र किया है कि किस तरह से एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है, एक की घट रही है, कांग्रेस की नीति है। तो बीजेपी इसे नीचे तक ले जा रही है। कांग्रेस को समस्या यह है कि वहां वो बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन नीचे तक परकुलेशन के लिए उनका संगठन तैयार नहीं रहता है, वो मिसिंग फैक्टर हो जाता है। अब दोनों ही दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो भी चल रहा है, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला कहां पर जाकर के रुकेगा इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी और जयेंद्र आपका भी पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आबादी वाली रिपोर्ट पर मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए हैं, मौलानाओं ने कहा है कि असल मुद्दों से भटकाने की ये कोशिश है। मुस्लिम धर्मगुरु का कहना ये भी है कि मुसलमानों की शिक्षा पर बिल्कुल काम नहीं किया गया, शिक्षा पर काम अगर किया जाता तो ऐसी रिपोर्ट नहीं आती। सुनवाते आप, ऊपर शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो वहां गोबर किसी का एक बच्चा है, किसी के दो बच्चे, मुश्किल से तीन बच्चे, और जहां गोबर शिक्षा का स्तर तकरीबन नील है
तो वहाँ 5 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे, 4 बच्चे। जनसंख्या जिस तरीके से दूसरे तबके के लोगों की बढ़ी है, दलितों की, आदिवासियों की, शेड्यूल ट्राइब्स की, दिगर हिंदुओं की, उतनी ही जनसंख्या मुसलमानों की भी बढ़ी है। ABP News आपको रखे आगे।